नमस्कार, स्वागत है आपका जीले जरा में। जीले जरा में आज तक हमने आपको योग के कई क्रियाओं के बारे में बताया, लेकिन आज हम आपको कुछ अलग दिखाने वाले हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे योग नृत्य की। जब बात योग की होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में मेडिटेशन की बात आती है, बिकॉज योग हैज द पावर टू क्योर अस फिजिकली एंड मेंटली। और जब बात नृत्य की करते हैं तो फन, फ्रोलिक, मस्ती, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे फन, फ्रोलिक और मस्ती के साथ हम मेडिटेशन को कंबाइन करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं योग नृत्य की। तो आज हम चलेंगे आचार्य प्रतिष्ठा के पास और जानेंगे क्या है योग नृत्य और कैसे करते हैं योग नृत्य। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का शो। तो वर्ल्ड फेमस योग गुरु और क्लासिकल डांसर आचार्य प्रतिष्ठा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि हमें बताएंगी योग और नृत्य का समागम कैसे होता है और कैसे हम उसे कंबाइन करके एक एनर्जेटिक और फन वे में अपने बॉडी को हील कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रतिष्ठा जी आपका। योग को और नृत्य को हम एक साथ कंबाइन करते हैं योगा डांस के फॉर्म में, तो उसके बारे में कुछ बताइए जी। देखिए, हम सब के जीवन का एक ही उद्देश्य है, दुखत्र निवृत्ति स्वरूप आनंद वाप्तिश्च। हम सब सुखी होना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो ये चाहता हो कि मैं दुखी हो जाऊं या पीड़ा को अपने ऊपर ओढ़ करके जीता रहूं। योग की उत्पत्ति तब हुई जब मनुष्य ने पहली बार दुख को महसूस किया। जब उसके जीवन में पीड़ा हुई तो उसने एक परमानेंट सॉल्यूशन की तलाश की, और वो परमानेंट सॉल्यूशन, क्योंकि क्षणिक सुख तो हमें बहुत चीज़ों में मिल जाता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन उसको योग में मिला। और नृत्य की उत्पत्ति तब हुई जब मनुष्य पहली बार आनंदित हुआ और आनंदित होकर के झूम करके नाचने लगा। दोनों ही विधाएँ, मैं इनको एक दूसरे का पूरक तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, सिक्के के दो पहलू ज़रूर हैं। इस तरह से कि इनकी उत्पत्ति ही भगवान शिव से हुई, क्योंकि योगीराज शिव और नटराज शिव, यानी वो योगीराज भी हैं, नटराज भी हैं, और वो योग के भी प्रणेता हैं और वो नृत्य के भी प्रणेता हैं। जी, तो जैसा आचार्य प्रतिष्ठा जी ने कहा कि एक सिक्के के दो पहलू हैं योग और नृत्य, तो देर किस बात की, हम भी सीखते हैं आपसे कि कैसे हम योग और नृत्य को एक साथ मिला करके खुद को हील कर सकते हैं फन वे में। चलिए शुरू करते हैं हमारा शो। छोटा सा सीक्वेंस जो पूरे आपके बॉडी को टोन अप करता है, आपके मन को नियंत्रित करता है और आपकी आत्मा को प्रफुल्लित करता है। कैसे करेंगे इसको? इस स्थिति में आप बैठेंगे। यदि आप ऐसे नहीं बैठ सकते तो आप क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे, और यहां से हम पूरा सीक्वेंस आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाना और अपने भीतर विद्यमान परमपिता परमेश्वर को नमन करना। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस ले आना। आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होगी, कोई स्ट्रेस का साइन नहीं होगा। हाथों को ज्ञान मुद्रा में टिका देना, सांस भरते जाना। फील द ब्यूटी ऑफ ब्रेथ, एक्सहेल। हाथों को वापस ले आए और फिर तीसरा स्टेप जो हम लेते हैं, दोनों हाथों को सामने की ओर फैला करके पीछे ले जाना, धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हुए, नतमस्तक होते हुए अपने गुरुदेव को याद करते हुए जमीन से माथे को छूने का प्रयास। सांस भरते हुए चेहरा ऊपर और फिर से हाथों को वापस ले आना। शोल्डर का पूरा एक्सपेंशन, चेस्ट का एक्सपेंशन, वापस स्थिति में। ये है आपकी आरंभिक स्थिति, और यहां से हम आरंभ करते हैं पहला सीक्वेंस। सांस भरते हुए हाथों को पूरा ऊपर ले जाना, पूरे शरीर को स्ट्रेच करेंगे, बेंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट, हाथ को वापस ले आए, फिर से सांस भरना, हाथ को वापस ले आएंगे। बाईं तरफ से पूरा गहरा सांस, फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना, क्रॉस
पूरा अपर हाफ आपका स्ट्रेच्ड है, अपर हाफ को रिलैक्स किया, इनहेल एंड आउट, सांस भरते हुए दोनों हाथों को नमस्ते की स्थिति में पर्वत जैसी स्थिति आप बना लें। सांस भरते हुए पूरे शरीर को बाई ओर जितना झुका सकते हैं, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। सांस भरते हुए दाईं ओर, सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से दोनों हाथों को ऊपर ले जाना, पूरा स्ट्रेच करके धीरे धीरे पीछे झुकना और धीरे धीरे से लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक और फिर हथेलियां, कोहनी और माथा जमीन पर। किसी भी मूवमेंट पर, किसी भी स्टेप पर बहुत देर रुकना हमें नहीं है, क्योंकि हमें मूवमेंट को बरकरार रखना है। दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। यहां से आप अपनी गर्दन को आगे की ओर ले जाना, पीछे की ओर ले जाना। एक्सहेल, इनहेल, गर्दन पीछे रखे हुए बाईं ओर और दाईं ओर। इस मूवमेंट को आप अपने लोअर बैक तक फील कर पा रहे हैं और फिर यहां से सिर्फ गर्दन का चक्राकार मूवमेंट। बस ये ध्यान रखें कि आपका हर मूवमेंट रिदमिक फ्लो में चलता चला जाएगा। कंधों को पूरा चक्राकार मूवमेंट अपने साथ चल रहे संगीत पर, म्यूजिक पर पूरी तरह से ध्यान टिकाएं और मन को तन के साथ एकाग्रचित कर बिल्कुल शांत होते चले जाएं। यहां से हाथ को अपने बाईं ओर ले जाना, पूरी कमर से आगे की ओर झुकना, पूरी सृष्टि को देखने का प्रयास, कंप्लीट राइट एंड देन बैक। और यहां से आप इस स्थान पर अपनी एनर्जी को एकाग्रचित करेंगे और फिर डाउन साइड बैक, पूरा सर्कुलर मूवमेंट। और आप महसूस करेंगे कि आपका पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी का संचार हो रहा है। और यहाँ से कंप्लीट फ्रंट एंड देन जितना आप पीछे झुक सकते हैं करते हुए पूरा चक्राकार मूवमेंट एंड देन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसको भी पूरी दो बार हम दोहराएंगे। हर स्टेप को हम इसलिए दो बार दोहराते हैं ताकि उसका जो इफेक्ट है वो आपके शरीर पर और गहरी तरह से बनता चला जाए। और फिर यहाँ से अपने पैर को खोलना, दोनों हाथों को जो पैर स्ट्रेच है उसकी तरफ ले जाना, 1 2 3 एंड टर्न। फिर से हाथ को इधर ले जाना, 1 2 3 एंड टर्न। पूरा आपका स्पाइनल ट्विस्ट इस मूवमेंट के साथ होता चला जा रहा है, आपके पैंक्रियास पर इफेक्ट पड़ रहा है। और यहाँ से आप पैर को इधर लाएंगे, ट्विस्ट और पीछे की तरफ होल्ड। फिर से अपने हाथ को वापस लाना, पैरों की स्थिति बदल लेना, टर्न, 1 2 3 एंड ट्विस्ट। पैर को फिर वापस ले आना, ट्विस्ट। इस स्थिति में आकर के धीरे धीरे से आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे, सांस भरते जाना, जितना पीछे झुक सकते हैं झुकेंगे, अगेन इनहेल, एक्सहेल। दोनों हाथों को उठा करके वज्रासन में आ जाएं, फिर से गहरा सांस, स्ट्रेच, बेंड,
ठीक से, और फिर यहाँ आकर के फिर से अपने आसन में बैठेंगे, दोनों हाथों को उठा करके अ फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस, ब्रीदिंग Let all the positivity go inside. Let all the negativity move out of yourself. एक लंबी सी मुस्कुराहट, फिर से हाथों को ज्ञान मुद्रा में ला करके गहरा सांस. फिर से ऊपर ले जाकर नमस्ते की स्थिति, आंख बंद करके बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी, अपने वंदनीय गुरुदेव को धन्यवाद, और फिर धीरे धीरे से आप अपनी आंखें खोल लेंगे. ये है एक छोटा सा सीक्वेंस जिसका नियमित अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है. तो देखा आपने, आचार्य प्रतिष्ठा जी ने हमें अभी एक सीक्वेंस दिखाया, योग और नृत्य को एक साथ कंबाइन करके हम कैसे दिखा सकते हैं उसको, कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. और सही में अगर हम अपने दिन की शुरुआत योग नृत्य से करें, इस प्रकार करें, तो सही में हमारा दिन सुखद जाएगा और हेल्दी और खुशी के साथ बीतेगा. यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नृत्य में जो भाव हम यूज़ करते हैं, जो मुद्राएं हम यूज़ करते हैं, उसका सीधा असर हमारे बॉडी पे पड़ता है, हमारे शरीर पे पड़ता है, बहुत ही पॉजिटिव वे में. हम नृत्य की बात करें और भाव की बात ना करें, मुद्राएं की बात ना करें, तो बात अधूरी लगती है. प्रतिष्ठा जी, अगर हम नृत्य की बात करें तो हर क्लासिकल डांस में हम कृष्ण की नटखट कृष्ण को दिखाते हैं या फिर राधा का शर्माना दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं भाव और नृत्य एक दूसरे के पूरक हैं. तो उस भाव का, उस मुद्राओं का जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसका हमारे शरीर पर भी बहुत असर पड़ता है, उसके बारे में कुछ बताइए. गीतिका जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है. जो भी हमारी मुद्राएं हैं, देखिए मैंने आरंभ में ही कहा कि योग और नृत्य सिक्के के दो पहलू हैं. एक बहुत सिंपल सी मुद्रा है, क्योंकि अब तो योग एक ऐसा विषय नहीं रहा जो आम लोग जिसके बारे में न जानते हों, तो ज्ञान मुद्रा का हम अभ्यास लेते हैं ना. जब हम आप देखते हैं योगी लोगों की तस्वीरें ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए, और आपके आप यदि योगाभ्यास करते होंगे तो आपको सबसे पहले आपके गुरु ने कहा होगा थोड़ी देर ज्ञान मुद्रा में ज़रूर बैठो, क्योंकि ये आपकी बुद्धि का विकास करता है, आपके कॉन्सेंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है. अगर आपको लगता है कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या आप बहुत जल्दी इरीटेट हो जाते हैं, बहुत विचलित रहते हैं, तो ऐसे में थोड़ी देर आप ज्ञान मुद्रा में जरूर बैठें. और देखिए, यही वो मुद्रा है जो नृत्य के समय जब यहाँ आ जाती है तो नृत्य की मुद्रा हो जाती है. दिस इज द बेसिक मुद्रा ऑफ डांस एज वेल एज योगा. जी, ये तो बहुत बेसिक चीज आपने बताई कि जो हमारा ज्ञान मुद्रा है वही अपने हाथों के पोजिशन को चेंज करते वो नृत्य का एक भाव, एक मुद्रा बन जाती है. तो और भी मुद्राओं की बात करेंगे प्रतिष्ठा जी के साथ. प्रतिष्ठा जी हमें बताएंगी कि अलग अलग नृत्य के अलग अलग क्या भाव होते हैं, क्या मुद्राएं होती हैं, और उसका योग से क्या संबंध है. अगर आप भी योग नृत्य या योगा डांस को अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले सुबह उठकर के अपने दिन का आरंभ कीजिए सेल्फ टॉक थेरेपी से. सेल्फ टॉक योग और नृत्य दोनों का एक बहुत ही अहम अंग है. हम सब सेल्फ टॉक करते हैं अनोइंगली, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव होती है, लेकिन आपको करनी है नोइंग सेल्फ टॉक जो आपको देगी पॉजिटिव प्रभाव. यानी जब आप सुबह सोकर के उठें, तो या तो अपने बिस्तर पर बैठे हुए आंख बंद करके अपने आप से थोड़ी देर बात करनी है, या फिर उससे भी उत्तम ये होगा कि आप शीशे के सामने जाएं, शीशे के सामने खड़े होकर के 3-4 लाइंस रिपीट करें, आई एम द बेस्ट. कम से कम 5 बार अपने आप को ये बताएं, आई एम द बेस्ट. दूसरी बात आप ये कहेंगे, जो भी मैं कार्य करता हूँ वो बेस्ट ही करता हूँ. तीसरी बात, अहम से दूर रहने के लिए आप अपने आप से ये कहेंगे, क्योंकि मैं उस परम पिता परमेश्वर की संतान हूँ, तो मेरे अंदर उस परम पिता परमेश्वर के सारे गुण आए हैं, इसलिए मेरा हर कार्य परफेक्ट होता चला जाता है. इन 3 लाइन्स को 5-5 बार आप रिपीट करें, और आप देखिएगा कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक चेंज डेफिनेटली आएगा. उसके बाद हम बात करते हैं मुद्राओं की. यानी थोड़ी देर के लिए आप बैठेंगे ज्ञान मुद्रा में, जो आप सीख चुके हैं. यदि आप अपने हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने हार्ट को पूरी तरह से हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आप लेंगे हृदय मुद्रा का अभ्यास.
हृदय मुद्रा में आप अपनी पहली उंगली के टिप को अंगूठे के रूप से छू देंगे, अंगूठे के टिप को दूसरी और तीसरी उंगली के टिप से छू देंगे और जो आपकी चौथी उंगली है वो बिल्कुल सीधी रहेगी। देखेंगे कि इसकी आकृति भी हृदय जैसी बन गई है। हृदय मुद्रा को दोनों हाथों से आपने हृदय मुद्रा का अभ्यास किया। ये ध्यान रखें कि मुद्रा कभी भी धरती की तरफ मुख किए हुए नहीं होगी, आकाश की तरफ मुख किए होगी और मुद्रा को टिका देंगे आप अपने घुटनों पर। इस प्रकार से घुटनों पर टिका करके थोड़ी देर जरूर बैठें। वैसे प्रावधान तो नहीं है कि आप चलते फिरते भी मुद्राओं का अभ्यास करें, लेकिन यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हैं कि पूरी तरह से न नृत्य कर सकते हैं न योग कर सकते हैं, तो आप ट्रैवलिंग करते हुए भी मुद्राओं के प्रभाव से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको लगता है, देखिए नृत्य में हम जब भी घूंघट खोलना दिखाते हैं तो हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं, बहुत ही सिंपल सी मुद्रा है ना। आप अपने लास्ट की दो फिंगर्स के टिप को अंगूठे के टिप से छू देंगे और पहली दो उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखेंगे। इस मुद्रा में थोड़ी देर यदि आप बैठते हैं तो ये आपकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अगर आपको चश्मा लगा है या आंखें बहुत ड्राई रहती हैं, ड्राउजीनेस रहती है आंखों में, तो इस मुद्रा का नियमित अभ्यास आपकी आंखों को रख सकता है स्वस्थ। भाव को नियंत्रित करते हैं हम जब हम नौ रस का अभ्यास करते हैं। नौ रस, ये नाइन एक्सप्रेशंस, यदि आप इनका नियमित अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कुंठाएं, क्रोध, इरिटेशन, गुस्सा, ये सब आपसे दूर होता चला जाएगा, आपका मन नियंत्रित होता चला जाएगा। सबसे पहले श्रृंगार यानी अपने आप को शीशे में देखें और महसूस करें कि आप सबसे खूबसूरत हैं। कैसे करेंगे श्रृंगार रस? फिर आता है हास्य। तीसरा वीर, थोड़ी देर इस एक्सप्रेशंस को जरूर होल्ड करें। वीर के बाद अद्भुत, अद्भुत के बाद रौद्र यानी एक्सट्रीम एंगर, भयानक। जब कोई बहुत क्रोध होता है तो आपके अंदर भय जागता है यानी भयानक। के बाद विभत्स, विभत्स के बाद करुण और फिर शांत। ये छोटी सी एक्सरसाइज जो हार्डली आपके तीन से चार मिनट लेगी, लेकिन आप ये देखेंगे कि आपका पूरा दिन पूरी तरह से स्वस्थ गुजरेगा, तन के धरातल पे भी और मन के धरातल पे भी। तो आचार्य प्रतिष्ठा जी, ये डिप्रेशन और इमोशनल स्विंग इज अ वेरी कॉमन थिंग नाउअडेज़। जो भी अगर हम यूथ की बात करें तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो सबको ही सफ़र करता है इससे। तो आपने बताया कि एक्सप्रेशन, जो नौ एक्सप्रेशंस हैं, उनको अगर हम हर दिन सुबह करें तो बहुत हद तक हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे जीवन में जो भी कुछ है, यदि मैं भी आपसे जुड़ी हूँ तो वो भाव के लेवल पर ही तो जुड़ी हूँ, वो मेरे फीलिंग्स ही तो हैं और उसी फीलिंग्स से हमारे सारे संबंध हैं। और डिप्रेशन क्या है? एक टेम्प्ररी लाइफ में परमानेंट चीज़ की तलाश, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। तो देखा आपने कैसे अलग अलग योगिक क्रियाओं को करके और अलग अलग भाव भंगिमाओं को दर्शा करके हम योग के साथ साथ नृत्य भी कर सकते हैं और खुद को, अपने माइंड और बॉडी को हील कर सकते हैं और पॉजिटिविटी की ओर जा सकते हैं। आचार्य प्रतिष्ठा जी, मैं आपसे पूछूंगी, योग नृत्य को कंबाइन करके हम अपने माइंड और बॉडी को तो हील कर ही सकते हैं, तो अगर इसमें कब किया जाए, कैसे किया जाए, तो दिन के किस समय? जैसे योग हम जनरली सुबह करते हैं और नृत्य का तो कोई समय नहीं है, हम कभी भी कर सकते हैं, तो अगर हम योग नृत्य साथ में करें तो किस समय करना ये जरूरी? दोनों के नियम ऑलमोस्ट सेम ही है कि जब भी आप चाहे योगाभ्यास करें चाहे नृत्य की साधना करें, दोनों में भोजन के बाद 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए। और यदि आप योग नृत्य यानी योगा डांस भी करते हैं तो वो भी खाली पेट ही किया जाना चाहिए, फ्रेश होकर के यानी शौच आदि से निवृत्त होकर के किया जाना चाहिए। यदि आप प्रातःकाल इसका अभ्यास करते हैं तो सर्वोत्तम है, शाम को इसका अभ्यास करते हैं लंच के बाद 3 से 4 घंटे के गैप के बाद, तो भी आपके लिए इक्वली लाभकारी है। लेकिन ये तो सिर्फ फिजिकल पार्ट की बात है, अदरवाइज तो ये कहा गया कि खावत पीवत सोवत जागत नेक बिसर नहीं जाए।
अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान योग डांस, योग नृत्य करते हैं, योगा डांस करते हैं, तो क्या केयर करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने? इसीलिए कहा गया गुरु प्रतिष्ठ मार्गेण योग में समभ्यसेत, गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही इन विधाओं की साधना होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम देख करके कर रहे हैं, जैसे आपको आज जो हमने एक सीक्वेंस दिया वो एक निरापद सीक्वेंस है, हर कोई उसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन यदि प्रॉब्लम की स्थिति है, चाहे प्रेगनेंसी है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे डायबिटीज है, जैसे डायबिटीज में फुटवर्क बहुत ज्यादा लाभकारी होता है क्योंकि आपके जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उन पर प्रेशर डल रहा है, आपने मुद्राएं की, तो जब कोई स्थिति ऐसी है जहां पर स्पेशल केस है, वहां पर गुरु प्रतिष्ठ मार्ग है, अपने गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही साधना की जानी चाहिए। आखिरी में हमारे दर्शकों को आप कुछ एक टिप्स दीजिए योग नृत्य से रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ योर लाइफ आप है, आप खुद, यानी मैं मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हूँ ये मुझे समझना है। थोड़ा समय अपने लिए निकालें, अपने आप से बात करें, अपने भाव जगत को स्वस्थ करें, और जब आपका भाव जगत स्वस्थ होता जाएगा तो आप तन के धरातल पर निश्चित रूप से स्वस्थ होते चले जाएंगे। जी थैंक यू सो मच प्रतिष्ठा जी हमसे बात करने के लिए। तो आचार्य प्रतिष्ठा जी हमारे साथ थी, जिन्होंने बताया कि योग नृत्य आज की जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज का ये शो भी आपको पसंद आया होगा और आप भी अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेंगे और डांस वाली मस्ती के साथ योग करके अपने माइंड और बॉडी दोनों को हील करेंगे, दोनों को स्वस्थ रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंडिया 24/7।